दिवाली आने तो पहला ना मैं अक्सर की कर रही हाँ कि घर में ही स्नैक्स यानी कि शक्कर पारे मठियाँ वगैरह बना के रख लें। तो अज मैं शक्कर पारे बनाने लगी सी तो सोचा क्यों ना थोड़े ना यदि रैसिपी शेयर की जाए। सत श्री अकाल जी, पंजाबी वेज मसाला विच तुहाडा स्वागत है। तो आओ हुण एकदम सही नाप नाल एकदम खस्ता शक्कर पारे बनाने शुरू करते हैं। अज मैं शक्कर पारे मैदे दे बनावांगी जिदे वास्ते मैं इत्थे 4 कप छानिया होया मैदा लिया है जो कि वजन विच 500 ग्राम है यानी कि अद्धा किलो है। तो मैदे दे विच हुण आपां पावांगे थोड़ा जिहा लूण करीब 2 चुटकियां ते नाल ही पावांगे एक छोटा चम्मच भर के पीसी हुई हरिया इलायचियां यानी कि इलायची पाउडर। तो पहला ना आपां की करांगे इह जिहड़ियां इलायचियां और लूण है ना इहनूं मैदे दे विच चंगी तरह मिक्स कर लवांगे। तो हुण इह घिओ नूं वी ना आपां मैदे दे विच मिक्स कर देना है। तो जिहड़े कप नाल मैदा लिया है ना उस कप नाल ही घिओ लैना है। जरूरी नहीं कप कोई भी कोली का भी नाप तुसी लै सकते हो यानी कि इक्को ही भांडा होना चाहिए। घिओ नूं मैदे विच चंगी तरह रलाउण तो बाद ना एक बारी ना इस तरह घिओ होर मैदे नूं ना हाथ च लैके इस तरह मुट्ठी बंद करके देख लैनी है। जे तो इस तरह वधिया मुट्ठी बजदी भी शेप आती पई है ना फिर तो एकदम जिहड़ा इच आपां घिओ पाया है ना मोन वो एकदम परफेक्ट है। आ देखो इस तरह तो फिर इस तरह टुटदी भी पई है वधिया तो एकदम परफेक्ट है ये घिओ। तो हुण आपां अगली प्रोसैस वल चलते हाँ। जिहड़े कप नाल आपां मैदा ते घिओ लिया है ना उस ही कप नाल इत्थे लवांगे 1/4 कप पीसी हुई चीनी ते उन्ना ही यानी कि 1/4 कप ही आपां इत्थे लवांगे पानी। पानी जिहड़ा मैं इत्थे लिया है ना ते गर्म है ना ठंडा है बिल्कुल नॉर्मल पानी है। इहनूं हुण आपां चंगी तरह घोल लवांगे। तो इत्थे तुसीं दानेदार चीनी भी लै सकदे हो जिहड़ी नॉर्मल चीनी हुंदी है पर उहनूं चंगी तरह घोल लैणा है पहलां। इह पाउडर चीनी है ना पीसी हुई ते थोड़ी जल्दी घोल जांदी है। तो नाले जिहड़ियां मैं इलायचियां का पाउडर मैदे विच पाया है ना वो तुसीं इस टाइम तो चीनी और पानी के नाल भी पा सकते हो। तो इत्थे वेखो जी चीनी पानी च घुल चुकी है। तो हुण इस पानी नाल आपां मैदा गुन्नांगे। तो हुण थोड़ा थोड़ा पानी पाते हुए ना आपां मैदे का थोड़ा जिहा सख्त डो बना के तैयार कर लेना है। तो इहनूं ना आपां आटे वांगू इस तरह जिवें आपां कस के आटा गुन्नदे आ ना उस तरह नहीं गुन्नना, बस इस तरह पोले पोले हत्थां नाल इकट्ठा जिहा करी जाणा है, मिक्स कर लेना है चंगी तरह। तो हुण बाकी का बचा हुआ पानी भी ये विच पा लवांगे तो फिर तो इहनूं चंगी तरह मिक्स कर लेंगे यानी कि गुन्न लवांगे। तो इत्थे वेखो जी सारा पानी मिक्स करते हुए ना मैं इस तरह का टाइट जिहा डो तैयार कर लिया यानी कि आटा गुन लिया। तो देखो इहनूं ना आपां बिल्कुल वह नहीं करना, गुन्नना नहीं है। देखो इस तरह की ना जाली जी दिखनी चाहिए है आटे दे विच। आ देखो इस तरह जे आपां बिल्कुल गुन के मुलायम कर लवेंगे तो जिवें आटा बनाईदा है ना रोटियां वास्ते आटा गुन्नीदा ओह जिहा हो जाएगा, ओह जिहा आपां नहीं करना। इनू ना आपां बस इस तरह का ही रखना है। तो एक दो बारी ना इस तरह विच्चों तोड़ के ना तो फिर तो इनू इस तरह इकट्ठा जिहा कर लेना है। फिर एक बारी तोड़ देना है इस तरह तो फिर इस तरह इकट्ठा कर लेना है। ठीक है तो इस तरह करके ना 2-3 बारी इस तरह तोड़ के इकट्ठा करके तो इनू हुण आपां 15-20 मिनट तक ढक के रख देना है। तो ऐ लो जी हुण इनू मैं ढक दिता है तो हुण आपां 20 मिनट बाद फिर मिलते हैं। हुण इत्थे मैदे नूं गुन के रखे हुए 20 मिनट हो चुके ने तो इन्नी देर से सैट हो गया है। तो हुण ना हाथ से थोड़ा जिहा घिओ ला के आपां इहनूं होर मुलायम कर लवेंगे, थोड़ा मुलायम कर लवेंगे, थोड़ा इकट्ठा जिहा कर लवेंगे। तो इहदे विच जिन्नी इस तरह की जाली जी बनेगी ना मैदे दे विच उन्ने ही शक्कर पारियां दे विच भी लेयर आणगीआं, जाली आएगी वधिया बनणगे। तो वेखो जी हुण मैं इहनूं घिओ ला के ना इकट्ठा जिहा कर लिया, मुलायम कर लिया इस तरह का। तो हुण आपां की करांगे इह जिन्ना मैदा है ना इहदे विचों इहदे 3 बराबर दे पेड़े कर लवेंगे। तो ये ना आप एक हिस्सा लै लवेंगे तो उन्होंने इस तरह हत्थां नाल गोल कर लवेंगे। तो इस तरह ना मैदे नूं इस तरह हत्थां नाल अंदर नूं करदे हुए गोल कर लवेंगे। प्रॉपर गोल तो होएगा नहीं क्योंकि आटा नहीं है मैदा है तो नाले थोड़ा टाइट है तो नाले दे विच मोन पाया होया तो जिन्ना हो सके इवें हत्थां नाल कर लवो। ठीक है करके तो फिर इहनूं आपां चकले ते रख लेना। तो पहलां हत्थ नाल थोड़ा जिहा चपटा जिहा कर लेना फ्लैट तो फिर ना इहनूं आपां वेलने नाल गोल वेल लेना इस तरह करते हुए। थोड़ा मोटा ही वेलांगे क्योंकि शक्कर पारे जिहड़े होंदे ने थोड़े मोटे ही होंदे ना चौरस चौरस जे। तो इत्थे वेखो जी इहनूं सारे पासे मैं इक्को जिहा वेल लिया। तो देखो इन्ना कु मोटा आपां रखना है ना क्योंकि मोटे मोटे शक्कर पारे चौरस बनावांगे वधिया लगदे ने। तो हुण की करांगे एक पीज़ा कटर लैके ना इन्हां नूं आपां इस तरह सीधा सीधा कट लवेंगे तो या फिर चाकू भी लै सकदे हो जिहदे नाल तुहानूं सौखा लगे उहदे नाल इन्हां नूं कट लवो यानी कि यह रोटी नूं कट लवो जिहड़ी आपां गोल वेली है। तो हुण एक पासे इस तरह के कट लाने तों बाद हुण आपां चकले नूं घुमा लवेंगे या फिर हाथ नूं घुमा के कट लवो जिवें तुहानूं सौखा लगता है। तो बस हुण आपां इधरों भी इन्हां नूं कटना शुरू कर देवांगे। तो हुण इत्थे मैं देखो इन्हां नूं चौरस चौरस कट लिया ना इक्को जिहा
तो या तो इतों साइडा ला लवो तो या फिर की होंगे कि जो साइडा वाले ने थोड़े जे छोटे व्डे साइज़ आएंगे या तो साइडा तो कट के उन्होंने स्क्वेयर कर लवो रोटी जी आप गोल वेली सी तो बस इस तरह हाथ ना थोड़ी जी शेप दे दवो इस तरह दे देवे क्योंकि कट्ट लगे थोड़े हो जाते हैं इधर उधर तो इस तरह शेप दे के हूँ इन्हों फ्राई कर लवेंगे। तो हूँ सारे मैदे वेल के ना मैं इस तरह की स्क्वेयर शेप दे दी है यानी कि चौरस चौरस कट लेने तो मैनू यह शेप अच्छी लगती इस करके मैं यह शेप कट्टी। तुम अपनी मनपसंद शेप कट सकते जिमें कि तिकोनी या थोड़ी लंबी तो यह देखो जी तुम इस तरह आ रही है ना लेयरस आ रही ने इस तरह ही आनिया चाहिए ने इस करके आटा जोड़ा बहुता घुट के नहीं गुनना बस इस तरह का पोला पोला जहा गुनना है तो बहुत वधिया लेयर आनी है शक्कर पारे बनन तो बाद भी। तो हूँ आप फ्राई करा तो फ्राई करन वास्ते मैं इतने कढ़ाई में ऑयल में हल्का गर्म कर लिया है तो हल्के गर्म ऑयल के हूँ आप पा देवे तो जो ऑयल पाना है ना यानी कि जो शक्करपारे पाने हैं ना ये उदो ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए तो तुम वेख सकते हो कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है जो आप ऑयल के पाईए ना तो बस इदा हल्के हल्के जे बुलबुले जे आने चाहिए ने तो ऑयल और कढ़ाई के हिसाब न जिन्हें आते ना एक बार उन्हें पा लवो भावें कड़छी पर रख के पा लवो तो भावें हाथ नाल पा लवो। तो ऑयल च पाने तो एकदम बाद आप बिल्कुल नहीं छेड़ना थोड़ी देर जो ऑयल च सैट हो जाएंगे उदों आप थोड़ा जहा मतलब कि इन्हों नहीं छेड़ा ऑयल में इस तरह गोल गोल घुमावे ठीक है। तो इस टाइम गैस की फ्लेम जी है मीडियम टू लो है तो थोड़ी देर मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करन तो बाद जो फ्लेम है आप एकदम सिम कर देवे बस इस तरह चलाते हुए जो आप फ्राई करना है ना तो उस तो बाद जो इस तरह का हल्का जहा कलर आ जाए ना शक्कर पारियां थोड़ा जहा लालगी आ जाए तो उस तो बाद गैस की फ्लेम बिल्कुल सिम कर देवे तो सिम करके इन्हों हूँ आप वधिया जहा गोल्डन जहा ब्राउन जहा कलर आने तक तलांगे यानी कि फ्राई करांगे। तो जिस तरह मैं इन्हों लगातार चलाते हुए फ्राई कर रही है ना इस तरह ही तुम्हें भी करना है इको जहा यानी कि तकरीबन इको जहा कलर आएगा और बहुत ही वधिया लगनगे। तो फ्राई करन तो बाद जो इस तरह का वधिया जहा कलर आ जाए ना सारे पासे देखो इको जहा कलर आया है ना तो उदो आप इन्हों ऑयल चो बाहर कढ़ लवेंगे। तो तुम वीडियो वेख सकते हो कि शक्कर पारे तो कितनी वधिया लेयर आई ने है ना बिल्कुल वखरिया वखरिया वधिया वधिया एकदम अलग अलग यदा मतलब है कि साढ़े जोड़े शक्कर पारे ने बहुत ही खस्ता बने ने तो इस तरह दिया ही लेयर आनिया चाहिए ने क्योंकि आप आटा जोड़ा है वह बहुत ही वधिया गुन के तैयार किया जिस तरह अज मैं मिठे शक्कर पारे बनाए ने ना इस तरह ही मैं लून वाले शक्कर पारे या निमकी मटर मटरियाँ सब ही जल्दी ही बनावगी जल्दी ही उन्होंने रैसिपी शेयर करांगी। तो बस इदा का कलर आनते इन्हों कढ़ लवेंगे क्योंकि यह मैदा है ना तो ऑयल चो कढ़न तो बाद भी इन्हों की कुकिंग प्रोसैस थोड़ी देर होंगी रहती है यानी कि थोड़े जे डार्क है होर होणगे। तो वेखो तुम साइज़ में भी किन्ने वड्डे हो गए हैं ना फुलके आप छोटे छोटे बनाए से किन्ना वड्डा साइज हो गया तो बस इस तरह ही हूँ बाकी के बच्चों भी मैं फ्राई कर लवेंगी। तो लो जी इतने गैस की फ्लेम में सैट करते हुए ना मैं सारे शक्कर पारे फ्राई करके तैयार कर ले ने बहुत ही खस्ता बने ने तो तुम भी इस तरह ही शक्कर पारे बनाओ तो शक्कर पारे बहुत ही वधिया बनेंगे बस नाप का पूरा ध्यान रखो सही नाप नाल बनाओ बहुत ही वधिया बनेंगे। तो बाजार तो बहुत ही सारे शक्कर पारे मिलते हैं तरह तरह के पर घर की बनाई हुई चीज़ की रीस नहीं है तो तुम भी दिवाली आने तो पहले इन्हों बना लो तो बना के तैयार करके रख लो दिवाली ही क्यों जो जी करे उदो बनाओ तो इन्हों फिर खाओ। मैं तुम तोड़ के विखानी हाँ वेखो जी किन्ने खस्ता बने ने एकदम वधिया बहुत ही वधिया। तो इस तरह के खस्ता खस्ता शक्कर पारे तुसी घर विच बनाओ तुसी बाजार के शक्कर पारे खाने भूल जाओगे यह इन्ने ज़्यादा स्वाद बनते हैं ना कि हुण तुसी इन्हां नूं जरूर ट्राई करो और ट्राई करके मैनूं कमेंट भी जरूर करो तो छेती ही मिलते हैं एक होर वधिया जी नवी रैसिपी दे नाल। सत श्री अकाल।